आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रेशर्स के लिए इन्फोसिस में लाइफ क्या होती है। अगर आप फ्रेशर हो और इन्फोसिस में जाना चाहते हो तो इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना। इसमें मैं पूरी बता दूंगा आपको डिटेल की फ्रेशर की लाइफ वहाँ पे कैसे होता है या कैसे बिहेव या कैसे ट्रीट किया जाता है फ्रेशर्स के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है या मतलब आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो फिर भी आप फ्रेशर हो और फिर वहाँ पर जा रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो लाइक एज अ फ्रेशर ही वहाँ पे हो तो भले ही ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद कि आपको 4 से 5 महीने कम से कम आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि आप अंडर गोइंग ट्रेनिंग रहोगे 4 से 5 महीने। इनका मैक्स टाइम होता है कभी 2 महीने, कभी 3 महीने या 4 महीने के अंदर ही कंप्लीट करा देते हैं। एंड दोस्तों, जो पहली ट्रेनिंग होती है वो पाइथन और एसक्यूएल बेस पे होती है, यानी कि जो पाइथन एक लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल एसक्यूएल जो डेटा बेस होता है वहाँ पे आपको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आपका वहाँ पे होता है टेस्ट, जिसको आपने 65% प्लस में निकालना होता है। यानी कि ये दो ट्रेनिंग दी जाएंगी आपको 2 महीने तक। विद इन 2 मंथ्स में आपका एक एग्ज़ाम होगा वहाँ पे, जो कि आपको 65% प्लस स्कोर उसमें करना होता है इन्हीं दो ट्रेनिंग के बीच में। एंड दोस्तों, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस कोर फील्ड की, लाइक आपको जावा में जाना है, पीएचपी में जाना है, C++ में जाना है, .NET में जाना है, यानी कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें आपको एक कोई प्रोग्राम का मास्टर बनाया जाता है। मास्टर इन द सेंस कि आपको वो कोर वहाँ पर सिखाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पर कंपनी में किस तरीके की उन्हें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहाँ पर सेलेक्ट कराया जाता है, या आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। आपको 2-3 ऑप्शन वहाँ पे दिए जाएंगे कि आप इनमें से किस लैंग्वेज पे काम करना चाहते हो, तो वो लैंग्वेज आपको वहाँ पे दी जाएंगी और या फिर जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको सिखा के और वहाँ पे उस फील्ड में वो करवा देते हैं या उस। दोस्तों, ट्रेनिंग के टाइम पे ही एक आपके पास ग्रुप प्रोजेक्ट होता है जो कि ट्रेनिंग में ही कंप्लीट करके देना होता है। उसमें ग्रुप्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको जैसे कि 4 लोग 5 लोग 6 लोग या जितने भी वहाँ पे उनका बेसिकली फंडा होगा तो उतने लोग वहाँ पे रहते हैं। एंड वो प्रोजेक्ट आपको विद इन ट्रेनिंग, जो आपकी जहाँ 4 महीने हो 2 महीने, तो आपको वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके भी वहाँ पर सबमिट कराना होता है। एंड दोस्तों, जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो 9:30 to 5:30 होता है, यानी कि जनरल में ये नहीं कि आपको रोटेशनल में बुला रहे हैं या नाइट शिफ्ट में बुला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जनरल में बुलाया जाएगा 9:30 to 5:30 शाम तक। एंड दोस्तों, रही बात यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो अगर आपका एक बार TCS में सिलेक्शन हो जाता है तो जो डेली असाइनमेंट मिलते हैं, डेली जो वहाँ पे सिखाया जाता है, अगर आप उतना ही कंप्लीट कर लोगे तो 100% एग्ज़ाम वो निकल जाता है। इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक नॉन बैकग्राउंड, जो मतलब कि आईटी का बंदा नहीं, नॉन बैकग्राउंड आईटी का बंदा अगर उतना भी असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करता है तो वो भी एग्ज़ाम 65% प्लस वहाँ पे स्कोर कर लेते हैं। एंड दोस्तों, वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको DCS टीम में मूव कर दिया जाएगा, यानी कि ये वहाँ पे एक टीम होती है बेसिकली वहाँ पे कि आप इस टीम के हो, तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सिलेक्शन देके और फिर पर्टिकुलर वहाँ पे जो काम होता है या टास्क असाइन होता है वो आपको दे दिया जाता है एंड वहाँ पे आप वो करने लग जाते हो। एंड दोस्तों, आफ्टर योर ट्रेनिंग क्लासेस या बीच में जो इंटरवल होता है, यानी कि बीच में जो लंच टाइम होता है, आप उतने टाइम में वहाँ पे इंजॉयमेंट भी कर सकते हो या ट्रेनिंग क्लासेस के बाद भी आप वहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हो। लाइक वहाँ पे चीज़ें होती है, स्विमिंग पूल आपको बना मिलेगा या एक वहाँ पे जो सिनेमा हॉल होता है वो भी आपको वहाँ पे बना हुआ मिलेगा, बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम, यानी कि काफ़ी सारी जो प्लेइंग की एक्टिविटी होती हैं या इंजॉयमेंट की एक्टिविटी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और वहाँ पे आप चाहो तो गेम भी खेल सकते हो, जिम भी कर सकते हो, या फिर मतलब क्रिकेट वगैरह जो जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हो वो चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। आपको मूवी वगैरह देखना है तो वहाँ पे वो भी इंजॉयमेंट के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आई होप दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट्स है क्वेरी, नीचे मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना। एंड अगर आपको अनएक्सपेक्टेड आंसर चाहिए तो आप तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पर मैं अनएक्सपेक्टेड आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम शिवम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।